स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जूना राज में जो चूने राजाओं का महल अभी तक मौजूद है और पूरा वो करजन डैम में डूब चुका है। आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो यहाँ से है भाई ये रास्ता जूना राज जाने के लिए, तो पता भी नहीं चलेगा। इधर से आए हम और ये रास्ता जाता है जूना राज। यहाँ से पूछ के जा सकते हैं क्योंकि पूरा पगडंडी वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है, बोर्ड भी नहीं लगा है, तो भटक सकते हैं आप लोग, इसलिए पूछ के जाए। सब ऐसा रास्ता है भाई, स्लीपी। और ये भाई क्या है भाई, ये यहाँ पे भालू वगैरह भी आप लोगों को मिल सकते हैं भाई। भाई ये जूना राज का पॉइंट है, ऐसा कुछ दिख रहा है, देख लो। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, देख सकते हो भाई, ये कुछ पॉइंट जैसा है। यहाँ से नज़ारा देखो भाई करजन डैम का। और अभी हमारी मंजिल अभी बाकी है भाई, पहले भी दिखाई आप लोगों को। यहाँ से होकर आए हम, यहाँ से ये पूरा पहाड़ और यहाँ से अंदर खाई भी है। यहाँ से पूरा 7-8 किलोमीटर काट के बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे हैं भाई, मंदिर तक पहुँचे हैं अभी हम। अभी हमें यहाँ से रास्ता जाता है, आगे जाना है। और ये मंदिर, ऐसा कुछ मंदिर का नज़ारा है। और ये पानी है भाई, ये पूरे करजन डैम का। ये बजरंग बली का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। हमको रास्ते में मिला है ये मंदिर, छोटा सा आश्रम बना है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये पूरी जगह आश्रम की है और ये श्री डी की हनुमंते नमः, देख सकते हो। आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ दोस्तों। ये बजरंग बली का फोटो लगा रखा है यहाँ पर मंदिर, और ये बजरंगबली की मूर्ति। अब भी दर्शन कर लो दोस्तों। जय हनुमंते। और ये मंदिर के पास में ही क्या है क्या नहीं हमको पता नहीं भाई। जूना राज पहुंच चुके हैं, ये गांव है यहाँ का। और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, यहाँ से बाइक वहाँ पे रख दी है और यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा मेरा भाई। ऐसा कुछ नज़ारा है, देख सकते हो। यहाँ से चल के जाएंगे, वो सामने मंदिर है वहाँ पे, ऐसी गेट लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ से। तो ये अभी थोड़े बहुत स्टेपचर बचे हैं, उसके अवशेष अभी भी देख सकते हो आप। ये यहाँ पे पूरी दीवार है और ये गांव के लोग अभी खेती कर रहे हैं इसमें। देख सकते हो भाई कितना खंडहर हालत में सब मूर्तियां पड़ी हैं। और यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कुछ किसकी मूर्ति है, अति प्राचीन मूर्ति है भाई, जब राजाओं का शासन होगा तब बनवाई गई होगी भाई। शिवलिंग भी लगा रखा है यहाँ पर। ऐसा कुछ मंजर है बाहर का, स्ट्रक्चर टूट चुका है अभी पानी की वजह से, देख सकते हो ये पूरा टूट चुका है अभी। ऐतिहासिक शहर राजपिपला जो 1947 तक गोहिल राजपूतों की राजधानी हुआ करता था, शहर के बाहर करजन नदी पर बना करजन बांध है जिसे रोके गए पानी से सुरपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगल है। यहां से जूना राज पहुंचने के लिए बांध के पास से रास्ता जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चर देखो भाई, और अंदर कुछ
इस टाइप का है, पूरा स्ट्रक्चर देखो। यही नहीं, यह चारों तरफ से घने जंगलों से घेरा हुआ है। यह सुंदर स्थान गोहिल राजपूतों की पुरानी राजधानी जूनाराज की बची कुछ ही निशानी है। इस पुराने शहर में आज सिर्फ यह मंदिर और कुछ दीवारें ही देखने को मिलती है। राजाओं के टाइम का ये कुछ राजपिपला का इतिहास 14वीं सदी तक फैला हुआ है। मध्य भारत में उज्जैन मालवा के परमार राजपूत राजधराने के उत्तराधिकारी राजकुमार चोकराना ने अपनी रियासत छोड़कर पश्चिमी जंगल और पहाड़ों की तरफ कूच किया और एक नए राज्य की खोज की। शुरुआत में उन्होंने करजन नदी के किनारे दूरराज के गांव नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। राजकुमार चोकराना का संबंध राजा भोज के खानदान से था। राजा भोज आपकी काबिलियत और इंसाफ पसंदगी के लिए मशहूर थे, इसलिए राजकुमार चोकराना ने भी अपने सिंहासन को राजा भोज के राज सिंहासन की तर्ज पर बनवाया था, जिस पर 32 परियों की छवि बनी थी। नंदीपुर गांव आज नांदोद कहलाता है, जो राजपिपला शहर का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद ही राजधानी को नंदीपुर से हटाकर पश्चिमी के सातपुड़ा के पुराना राजपिपला या जूनाराज ले आया गया। लगभग 2500 फुट ऊंची नई राजधानी लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित थी। साथ ही यह जंगल पहाड़ियां और वादियों से घेरा हुआ था। वह कई महीनों तक अंग्रेजों के बदले से आजाद रहे और जूनाराज के आसपास के जंगलों में अपनी फौज के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार सन 1860 में अंग्रेजों की जीत हुई और वेरिसाल जी को अपनी हुकूमत त्यागनी पड़ी। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर कुछ। हाँ, यहाँ पे दीवार है, पानी नहीं है। राजपिपला के अंतिम शासक थे महाराणा विजय सिंह जी, जिन्होंने राजपिपला को एक आधुनिक और प्रगतिशील रियासत में सब्दिल दिया। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद राजपिपला पहले बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना, बाद में वह गुजरात राज्य में शामिल कर लिया गया। जब करजन नदी पर बांध बनाया गया तो जूनाराज का पूरा इलाका डूब गया था। जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें अन्य जगहों पर बसा दिया गया। आज पुराने शहर के नाम पर जो कुछ भी दिख रहा है वो एक झील के बीचों बीच मौजूद भव्य मंदिर है। Thank you.
सारे बोटिंग लेके आ चुके हैं अभी, और हम अभी इस बोट में जाने वाले हैं। बोटिंग रेडी हो चुका है अभी। आखो आई थी आ महल हसन का बराबर। हाँ ये हम कोई पर डूंगर में जाओ ने कोई पे मूर्ति से के कुओं से बराबर तुम्हें आ डूंगर पर्वत मिले भारत में जंगल में कई इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। उनमें से एक है नीलकंठेश्वर महादेव। दरअसल यह शिव मंदिर है जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और पानी में तैरता हुआ लगता है। पूरा राजा का महल हुआ करता था एक टाइम पे, तो आज किस हालत में है देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा वहाँ तक पूरा राजा का महल हुआ करता था एक टाइम पे। भी इस वक्त हम मौजूद हैं जूनाराज के राजा के महल में। मुझे यकीन नहीं होता भाई, लेकिन ये पीछे वाला पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा राजा की एक टाइम पे नगरी हुआ करती थी ऐसा यहाँ के गाँव के लोग बोल रहे हैं भाई। उनको भी पूरा क्लियरली पता नहीं, लेकिन ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख के ही कह सकते हो कि यहाँ पे जरूर कुछ राजा की नगरी रही होगी एक टाइम पे। तो भाई अजय भाई को मिल लेना, आप कभी भी घूमने आओ जूनाराज में तो अजय भाई की नाव यहाँ पे रहती है कंटिन्यू, तो इस नाव में घूम सकते हो, इंजॉय करो आराम से, अच्छी है, फैमिली के साथ आओ, देखने लायक जगह है। ये भाई यहाँ पे नाइस ट्रैक करने के लिए आप लोगों को जगह मिल जाएगी। तो ये कुछ घर टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पे गेट बंद है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये थी कुछ राजा की कहानी, और यहाँ की जगह कैसी लगी आप लोगों को, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। तो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पहुँचाते रहें। तो आप भी आ सकते हो, अच्छी जगह है, हमको बहुत मज़ा आया, और बोटिंग भी की हम लोगों ने, काफ़ी सस्ता है, 100 रुपये ही लिए बोटिंग की। और ये चारों ओर यहाँ तक ये मंदिर पूरा राउंड घुमाया हमको। तो चलो भाई, जय हिंद जय भारत।